मेरे विद्यार्थी उत्कृष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है कैसे हो कुमकुम चिंटू कर्तव्य वैष्णव वेदिका गणेश जी कैसे हो पहले ये बताओ कि तैयारी कैसी है एकदम बढ़िया वेरी गुड आफ्टरनून सभी को आज के जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको आंसर देने क्योंकि मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके जो ज्यादातर बच्चे हैं जो मेरे लाइव वाले ही बच्चे हैं तो आप ये समझ लो आज आपका टेस्ट रखा है और टेस्ट का जवाब आपको देना है अमित एग्जाम की प्रिपरेशन वेरी गुड बहुत बढ़िया ध्यान रखना है आप सभी को आपने ट्वेल्थ चैप्टर पढ़ लिया है कौन सा चैप्टर लिया है ट्वेल्थ तो इसमें आंसर तो आपके देने के बनता है कि नहीं बताओ ट्वेल्थ चैप्टर मैंने रिवीजन करवा दिया है कितना पढ़ा क्या किया उसका आंसर आपको बताना है सबसे पहला है प्लासी का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ पहले ये बताओ कितने बच्चे ट्वेल्थ के हैं और कितने केवल सीयूईटी के बच्चे हैं एक बार यह लिख कर बताओ कर रहे हो एमपी बोर्ड में ओके कोई बात नहीं अमित बेटा अपनी तैयारी करो चलो जल्दी से एक बार यह बता दो कि जो YouTube पर अभी क्लास देख रहे हैं उनमें से कितने मेरे ट्वेल्थ के बच्चे हैं सी के बच्चे तो हैं ही हैं लेकिन जो ट्वेल्थ क्लास के अभी जुड़े हुए बच्चे हैं एक बार ट्वेल्थ लिख कर बताओ तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार रख सकती हूँ क्योंकि ट्वेल्थ क्लास का ये चैप्टर मैंने लाइव में जो रिकॉर्डेड बच्चे लाइव वाले बच्चे उन सभी को रिविज़न करवा दिया है हाँ ट्वेल्थ गया है मनीषा याचिका विकास जी सी काफ़ी बच्चे सी के भी हैं और जोरदार प्रिपरेशन है ना लिख दिया आपने जोरदार प्रिपरेशन तो देव आंसर सभी बच्चों ने बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्वेल्थ के हैं बहुत कम ऐसे हैं जो सी के हैं स्वरूप सी ओके ओके सी का हूँ साक्षी ओके okay, मैं केवल सी संस्कार वेरी गुड है काफ़ी बच्चे हैं जो केवल सी के भी हैं पर ट्वेल्थ के तो है ना बहुत सारे ट्वेल्थ के यस जिन्होंने लिख दिया ट्वेल्थ बाढ़ में बताओ फटाफट से सारे ट्वेल्थ के बच्चे हैं जो फटाफट से आंसर दोगे क्योंकि ट्वेल्थ में अगर आप मुझसे पढ़ चुके हो तो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ जल्दी से सब आंसर आपको देने हैं प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ बताओ कब हुआ टाइम भी बताओ डेट भी बताओ सन भी लिख कर बताओ फटाफट से मैं सी यू टी का हाँ खुशबू सी यू टी कब खुशबू तुम तो ट्वेल्थ में हो सी यू टी तो है ही है जो मैंने यह पूछा कि जो मुझसे ट्वेल्थ का रिवीजन कर चुके हैं क्रैश कोर्स में उन पर मेरा हक बनता है क्वेश्चन पूछने का सी यू टी में तो अब पढ़ा रही हूँ तो वो तो मैं पढ़ाऊंगी मेरी जिम्मेदारी है है ना बात समझ में आई ना अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में यस बहुत बढ़िया तो ध्यान रखना है प्लासिक का युद्ध किसके मध्य हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ कब हुआ कब हुआ बताओ सिराजुद्दौला कहाँ का, का नवाब था बताओ फटाफट से यस बहुत बढ़िया लक्ष्मी बहुत वेरी नाइस तेईस जून सत्रह यस कर्तव्य वैष्णव एक्सीलेंट बहुत बढ़िया चलो आगे चलते कलकत्ता किन गांवों से मिलकर बनाया गया बताओ कौन कौन से जो विलेज हैं उनको जोड़कर कलकत्ता बना बिना देखे फटाफट से टाइप करके बताओ कलकत्ता का निर्माण कैसे वहाँ यस गणेश यस मनीषा बिल्कुल ठीक है छोटी बिल्कुल ठीक है मेरा साहब नवीन सोनी एक्सीलेंट बहुत बढ़िया क्लाइव और सिराज नवीन एक्सीलेंट बहुत बढ़िया वेरी नाइस बंगाल का नवाब था गणेश बिल्कुल ठीक लिखा है ना बंगाल की बात कर रहे हैं हाँ कर्तव्य अब यह बताना है आपको सिराजुद्दौला बंगाल का प्लासी अंग्रेजों का और बंगाल के बीच में बिल्कुल प्रियांशु कलकत्ता कौन से गांवों से मिलकर बना है कलकत्ता में नगर निगम पढ़ा नगर नियोजन पढ़ा कलकत्ता का दुर्ग कौन सा है यह भी बताना और कलकत्ता कौन से गांवों से मिलकर बना है सुतानती गोविंदपुरा या सभी ने सही आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है सुतानती गोविंदपुरा और कोलकाता देखो उस समय कोलकाता गांव था और आज वापस हमने कोलकाता नाम जो है लिख दिया है सभी ने सही आंसर दिया वेरी नाइस बहुत बढ़िया कोलकाता सुतानाती कर्तव्य प्रियांशु याचिका प्रिया, पार्थ कृष्णपाल सभी ने एकदम सही नाम दिया नवनिर्मित फोर्ट विलियम विशाल जगह खाली छोड़ दी स्थानीय लोग क्या कहने लगे जो दुर्ग का निर्माण कर दिया ये दुर्ग बन गया और इसके पास में इतनी सारी जगह जो है वो खाली छोड़ दी पहले तो भारतीय थे अब उन्हें हटा दिया उसकी जगह पर खाली जगह छोड़ दी थी फोर्ट विलियम यस याचिका वेरी नाइस बहुत बढ़िया रावल बिल्कुल ठीक लिखा बच्चा फोर्ट विलियम कर्तव्य सभी ने कुमकुम -कुम, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही जो है होशियार बच्चे जुड़े हुए हैं इस साल के सेशन में तो जरूर धमाका होने वाला है पता नहीं कितने सारे बच्चे में से ला सकते हैं ऐसा मेरा मन कह रहा है बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी वेरी नाइस बहुत बढ़िया यस कर्तव्य तो गारेर मठ कहा गया यह क्या था गारेर मठ जो है गोलाबारी करने के लिए जगह थी और यह नगर नियोजन की दृष्टि से पहला कदम था बुक खोल कर बैठो जो लाइनें बता रही उसके नीचे अंडरलाइन करो बुक पर जहां पर यह चीज दी हुई है जो क्वेश्चंस है वो लाइन सर ही है बुक तो खोल कर बैठा और उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ ध्यान रखना गारेर मठ क्या था फोर्ट विलियम दुर्ग बना दिया उसके बाद में जगह छोड़ दी ताकि कोई दुश्मन आए तो अटैक कैसे करेंगे जब जगह होगी पहले तो भारतीय बस्तियां थी उसे हटा दिया उसकी जगह पर बहुत सारी खुली जगह छोड़ दी और उसी को गारेर मठ जो है वह कहा गया था ध्यान रखना ठीक है गारेर मठ और यह नगर नियोजन की दृष्टि से किया गया पहला कार्य था यह भी ध्यान रखना नगर नियोजन जो करा है किस प्रकार से और इसी व्यवस्था को फिर मद्रास में बंबई में भी अप्लाई किया गया यस खुशबू मैं 200 में से 200 सौ लाऊंगी वेरी नाइस बहुत बढ़िया देखो गोलाबारी के लिए जगह अट्ठारह का जो विद्रोह है उसमें बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए है ना अट्ठारह से अंग्रेज डर गए थे और उन्हें डर था कि कितना जबरदस्त विद्रोह हुआ तो हमें ऐसी इतनी जगह चाहिए कि भारतीयों को फटाफट से फायर किया जा सके है ना मेरे कितने बनेंगे प्रियांशु पूरे हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट बनेंगे मुझे विश्वास है मैं नाम नहीं लूँगी ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि मैडम ने इसका नाम लिया लेकिन मेरे मन में उनके नाम लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं ना हाँ बहुत दूर दूर तक खाली छोड़ दिया था यास खुशबू बिल्कुल ठीक है दुर्गा यास अम्बी बहुत बढ़िया अंबा बिल्कुल ठीक लिखा है लक्ष्मी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड आफ्टरनून देखो ये ध्यान रखना अठारह के विद्रोह से अंग्रेज डरे हुए थे 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद इतना डर हो गया कि भारतीय हमें ठोक देंगे और इसलिए इतनी जगह खाली कर दो कि हम भारतीयों को ठोक सके भारतीयों को बिल्कुल हटा दिया बहुत सारी जगह खाली कर दी थी और इसीलिए इमारतों को भी साफ कर दिया किले के बाद पहले इमारतें थी लेकिन अब इन इमारतों को हटा दिया और बहुत फासला बना दिया ध्यान रखना जो भारतीय मौल्य है और ये किला है अंग्रेज अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहता है भारत के मौल्य और किले के बीच में बहुत सारी जगह छोड़ दी गई ताकि अटैक किया जा सके है ना तो यह ध्यान रखना है अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो तो उन पर गोली चलाई जा सके क्वेश्चन पूछ ले गारेर मठ का निर्माण क्यों किया गया नोट करो बुक खोलकर रखो बुक के अंदर लिखते चले जाओ जहां गारेर मठ का टॉपिक है वहां लिख दो गारेर मठ का निर्माण क्यों किया गया तो आपको ध्यान रखना है गारेर मठ का निर्माण क्यों किया गया तो गोलाबारी के लिए निर्माण क्यों भारतीयों से डर था अठारह का विद्रोह हुआ अब क्वेश्चन आपको सी में भी ऐसे पूछ ले कि निर्माण बताओ क्यों किया गया क्या था खुली जगह थी पर गोलाबारी के लिए भारतीयों से 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 डर डर था कौन से विद्रोह से गए थे बारी के विद्रोह से डर गए थे है ना एक बार 15 चैप्टर लेना प्रियांशु बिल्कुल 15 चैप्टर ले करा दिया शायद मैंने आपको है ना 15 चैप्टर तो करवा दिया है 15 चैप्टर में अभी जो हमारी क्रैश कोर्स की क्लास में बहुत अच्छे से करवाऊंगी चिंता मत करो है ना अनुज हाँ बेटा अनुज कैसे हो बताओ बात समझ में आ गई क्या गारेर मठ किसके लिए गोला बारी के लिए अगर क्वेश्चन पूछ ले आपको अभी ट्वेल्थ में कि बताओ गारे मठ का निर्माण क्यों किया तो आपको लिखना है गोला बारी के लिए किस विद्रोह से डर कर किया अठारह किससे डर था भारतीयों से डरे हुए हैं भारतीयों से डरे हुए हैं अठारह तक तो बाकी सारी जो पुर्तगाली फ्रांसीसी उन सबको तो इन्होंने ठिकाने लगा दिया है पुर्तगाली हैं जरूर लेकिन उनसे कोई झगड़ा नहीं है तो बाकी सबसे जो झगड़ा था वो खत्म हो चुका है तो ध्यान रखना है कि दिक्कत किससे थी भारतीयों से दिक्कत थी चलो लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना लॉर्ड वेलेजली आता है गवर्नमेंट हाउस बनाता है अपने रहने के लिए बढ़िया इंतजाम करता है गंदगी बहुत है उसकी सफाई की बात करता है कलकत्ता मिनट्स लिखता है 1803 के अंदर और सड़कों का निर्माण करता है गंदी बस्तियों को हटाता है ये सब कुछ हो रहा है सत्रह सो लॉर्ड वेली को सत्रह प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद थोड़े समय बाद बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद जब पूरे अब हम अच्छी तरह से भारत में बैठ सकते हैं भारत के बादशाह बन गए तो वॉर्ड वेलेजली जो है वो भारत का बादशाह बन गया है क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा दुर्गा क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट नहीं खत्म होने वाला है दो तीन दिन में क्रैश कोर्स खत्म होने वाला है नींद में हो क्या क्रैश कोर्स करवा दिया क्रैश कोर्स ट्वेल्थ का कंप्लीट हो चुका है सिर्फ दो या तीन क्लासे बाकी है क्रैश कोर्स कंप्लीटेड इतने सारे तो वीडियो बनाकर डाले थे दुर्गा कहाँ पर हो हाँ सत्रह सौ इक्यानु में लॉर्ड वेले जो है भारत का गवर्नर जनरल बनता है और उसने अपने रहने के लिए क्या बना दिया उसने अपने रहने के लिए गवर्नमेंट हाउस अब भारत में आकर अंग्रेज पूरी तरीके से बस गए छुटपुट युद्ध खत्म करे सब भारतीयों को परास्त कर दिया अब भारत में रहेंगे तो रहने के लिए अपने लिए बड़े आलिशान गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया क्या करा गवर्नमेंट हाउस का जो है वह निर्माण किया था और इसी के साथ साथ ध्यान रखना जो सड़ांत है गंदगी है उसको देखकर कर वो बहुत बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि भारत में इतनी गंदगी है पानी जो है वह रुका हुआ है पानी रुका हुआ पानी है और इसकी वजह से वह कह रहा था भाई बहुत जहरीली गैसें निकलती है और वैसे ही भारत कैसा है भारत जो है बहुत उष्ण कटिबद्ध है, भारत है जा प्लेग पर बहुत हो रही थी मलेरिया उन्हें डर लगता था कि है जा मलेरिया में हो जाएगी गर्मी से उन्हें बहुत डर लगता था भारतीय भारत में गर्मी है इंग्लैंड में बहुत ठंड है तो यहाँ का जो वेदर है वो उनको मैच नहीं हो पाया इसलिए वो बहुत ज्यादा जो है डरे हुए थे हाँ ऐप में ऐप में हो गया रिविजन आप यूट्यूब के भरोसे बैठे हो यूट्यूब में नहीं ऐप में रिविज़न हुआ लेकिन क्रैश कोर्स का खूब सारे वीडियो बनाए थे और जो बच्चे उत्कर्ष के नहीं थे जैसे कि उन्होंने ना तो रिकॉर्डेड लिया था ना लाइव फिर भी वो क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ सकते थे और मैंने पूरा कोर्स करवा दिया है, है ना भूल गया हूँ कोई बात नहीं देखो अब ध्यान रखना है जैसे पेपर आ रहे हैं टेंशन टेंशन मत करो बिल्कुल इजी रहो में नगर नियोजन यस कर्तव्य यही पूछ रही हूं कि इस व्यक्ति ने जब इतनी गंदगी देखी तो पहली बार नगर नियोजन का कार्य कब शुरू हुआ से पहली बार नगर नियोजन का कार्य शुरू हुआ सड़कों का निर्माण गंदी बस्तियों को हटाना बाजार घाट को साफ करना चर्म शोधक इकाइयों को बाहर रखना भाई अगर शहर के अंदर ही चमड़ा और सब बिकेगा तो बदबू गंदगी शहर के बाहर जो है उसकी दुकानें रखो ना तो इस प्रकार घाट जो होते हैं पानी होता है वहां के पास में दुकानें बहुत गंदगी ये सारी चीजें साफ की गई है ना पंकज पढ़ा चुकी हूँ मिरास के बारे में बहुत अच्छी तरीके से तो यह ध्यान रखना है गवर्नमेंट हाउस का जो है निर्माण किया गया ये देखो ये इतनी शानदार बिल्डिंग दिख रही है ये पूरी जगह खाली रखी है गारेर मठ है ये और ये पूरा जो है गवर्नमेंट हाउस ये देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट हाउस है और यह जो है गारेर मठ है ध्यान रखना यहाँ पर सब चीजें साफ कर दी गई चारों तरफ खाली जगह रख दी ये कलकत्ता में है वेलेजली का निवास स्थान है ब्रिटिश राज दिख रहा है भव्यता दिख रही है क्या ब्रिटिश राज की भव्यता दिखाई दे रही है जबरदस्त ब्रिटिश राज की जो है भव्यता दिखाई दे रही है ये देखो ये बाजार है कलकत्ता का इतनी भीड़ भाड़ इलाके हैं इसलिए इन सबको हटाकर बाहर कर देंगे चितपुर रोड है कलकत्ता की और बाजार व्यवसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय का साधन था बाजार को देखकर आकर्षित होते थे भीड़ भड़ा और गंदा मानते थे कलकत्ता में आने के बाद लॉर्ड वेलेजली क्यों परेशान हुआ उसने देखा इतनी गंदगी आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ इतनी नीट एंड क्लीन एकदम बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बड़ी बड़ी बिल्डिंग एकदम सफाई स्वच्छता और ऐसा यहाँ पर नहीं था है ना इसीलिए ध्यान रखना है प्रियांशु थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया में हो तो इंडिया कितना आगे बढ़ जाएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच प्रियांशु थैंक यू वेरी मच देखो क्या बताया है कलकत्ता में आने के बाद लॉर्ड वैली ज़िले इतना दुखी क्यों हुआ इतनी चारों तरफ गंदगी देखो हर जगह का अलग अलग माहौल होता है फॉरन कंट्रीज में आप जाकर देखो क्या शानदार एकदम बढ़िया चौड़ी सड़कें नीट एंड क्लीन वहाँ पे सब स्वच्छता पानी जल ठंडक और भारत में बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन गंदगी सड़ांध उसने कहा ऐसे तो मर जाएंगे बीमारियाँ हो जाएगी सबसे पहले उसने नगर नियोजन की तरफ कार्य शुरू करा यस वेदिका अभी बताने वाली लॉटरी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है नगर नियोजन कार्य यस बिल्कुल ठीक है ध्यान रखना हिंदुस्तानी आबादी वाली भीड़ भाड़ को देखकर दुखी हुआ भारतीयों की गरीबी से उसे दुखी नहीं हुआ गरीबी और दुर्दशा देखी लेकिन वो दुखी किससे हुआ था कहीं कहीं तो बहुत हरियाली और कहीं कहीं पर सड़ान भारत में गरीबी थी लेकिन भारत में अमीरी भी थी राजा भी थे रियासतें भी थी उससे दुखी नहीं हुआ उसको क्या मतलब है वो दुखी इसलिए हुआ गंदगी से सड़ांद से इसलिए दुखी हुआ था निबंध क्वेश्चन बीस क्वेश्चन तीन घंटे में यस क्या बात है नवीन 100 परसेंट विनर हो अब देखो मैं नहीं बोलूंगी ऐसे सभी बच्चे विनर हैं लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद है नवीन मुझे आपके ऊपर 100 परसेंट आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो अभी लिखवा लो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पेपर करो तो सौ में से सौ लाने से कोई नहीं रोक सकता थोड़ी सी और मेहनत करते रहो कहीं कोई कमी नहीं होगी है ना ट्वेल्थ के मैराथन क्लास हंड्रेड परसेंट होगी हंड्रेड परसेंट होगी है ना चलो अब बात करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा ए सी और डी जो है वह आपका राइट आंसर है चलो आगे चलते हैं अंग्रेज डैश जलवायु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते थे उष्ण कटिबद्धीय भारत कैसा देश है उष्ण कटिबद्धिय देश है गर्मी बहुत होती है ध्यान रखना हाँ लॉर्ड वेलेजली सत्रह सौ अठारह सौ तीन में कमेटी हाँ बिल्कुल अठारह सौ सत्रह में जो है बिल्कुल आपने लॉटरी कमेटी लॉटरी बिल्कुल ठीक है संस्कार एक्सीलेंट बच्चा बहुत बढ़िया है ना देखो ध्यान रखना है यहाँ पर ये मुझे नहीं पता डेली क्लास हमको ऑर्डर आता है हम क्लास ले लेते हैं ना मैनेजमेंट जैसे करता है ये मेरे हाथ में नहीं है वो बोलेंगे डेली तो हम डेली लेंगे ट्वेल्थ बोर्ड है एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं इसलिए थोड़ी सी क्लासेस कम किए है हैं ना उष्ण कटिबद्ध ध्यान रखना उष्ण कटिबद्ध यस बिल्कुल ठीक है उष्ण कटिबद्ध यहाँ का मौसम था चलो आगे चलते हैं अठारह क्वेश्चन पूछ ले नगर नियोजन पर पहली बार कार्य कब किया गया अठारह में सबसे पहले किसने नगर नियोजन की तरफ ध्यान दिया तो ध्यान रखना है ने क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आप अच्छे से तैयार रहना है क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले भारत में नगर नियोजन सबसे पहले भारत में अंग्रेजों द्वारा नगर नियोजन कब शुरू किया गया अंग्रेजों द्वारा नगर नियोजन जो अगर पूछ ले कब शुरू हुआ भाई बताओ नगर नियोजन नगर नियोजन जो है वह कब शुरू कब तो आपको ध्यान रखना 1803 में पहली बार नगर नियोजन की तरफ किसने शुरू करा है तो वेलेजली जो है उसने सबसे पहले किसने वेलेजली ने सबसे पहले किसके द्वारा वेलेजली के द्वारा ध्यान रखना गवर्नमेंट हाउस किसने बनाया तो वेलेजली ने गवर्नमेंट हाउस बनाया कब सत्रह सो में वह आया उसके बाद 1803 में नगर नियोजन की तरफ पहली बार उसने ध्यान दिया है और ये सब लॉर्ड वेलेजली कर रहा है तो ध्यान रखोगे लॉर्ड वेलेजली ध्यान रखना है यस बहुत याद आएगी ट्वेल्थ के बाद कहीं ना कहीं तो दिखती रहूंगी हर तरह की गड़बड़ी हो देखो अब यहां पर ये कलकत्ता मिनट्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन आ जाएगा कलकत्ता मिनट्स क्या था लॉर्ड वेलेजली भारत आया भारत की अव्यवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ उसने कहा सड़कें होनी चाहिए गंदगी खत्म होनी चाहिए एकदम सफाई होनी चाहिए पूरा कंट्रोल होना चाहिए इसी को उसने लिखा यही कलकत्ता मिनट्स था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ कलकत्ता मिनट्स क्या था किसने लिखा कलकत्ता मिनट्स क्या था किसने लिखा कब लिखा किस क्या लिखा किसने लिखा है कब लिखा कब तो ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कलकत्ता मिनट्स जो है लॉर्ड वेलिजरी द्वारा लिखित है देखो आप इसको ट्वेल्थ बोर्ड में भी अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अच्छे से ध्यान रखना कलकत्ता मिनट्स जो है लॉर्ड वेली ने अठारह सौ तीन में हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अठारह सो तीन नगर नियोजन इसीलिए उसने कलकत्ता मिनट्स जो है लिखा है अच्छे से ध्यान रखना ये वोर्ड में पूछ सकते हैं उन्नीसवी शताब्दी अंग्रेजों को महसूस हुआ सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नियम बनाने जरूरी है निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक है पहले ऐसा नहीं था मर्जी पड़े जैसे रह सकते थे अब का नहीं सड़क निर्माण सब कुछ नियमों से होना चाहिए ध्यान रखना है मैडम एग्जाम पास हो तो नोट्स से पढ़े कि बुक से नहीं कुछ भी हो बुक्स से ही पढ़ना है अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मेरी तो हमेशा एक ही आदत है बुक पढ़ो अरे बुक की जब एक एक लाइन करवा दी सी के माध्यम से बुक खोल कर बैठो ना आपको लगेगा ही नहीं कि बुक भारी है आप कहोगे बुक से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बुक के बिना तो प्यास बुझ ही नहीं सकती अरे कोई बहुत मोटी मोटी किताबें थोड़ी है पतली पतली सी तीन किताबें पंद्रह चैप्टर है क्या दुखी हो रहे हो आप जब बी एम -मे में जाओगे तब टॉपिक होते हैं और उस समय हम देखो नोट्स कब पढ़ते हैं जब हमारे जैसे बी ए करे एम करी तो एक टॉपिक है अब उस पर आपको बुक्स जो है खूब सारी आप कलेक्ट करो उस समय कोई बुक नहीं होती टॉपिक होता है आप इच्छा हो जितने राइटर की बुक लेो, आपका बुक होती नहीं है टॉपिक टॉपिक सिलेबस में दे देते हैं हैं हम उस को अलग अलग बुक से सेलेक्ट करते हैं और उसको नोट्स में लिखते हैं तब भाई आप बुक कैसे पढ़ोगे एक क्वेश्चन के आंसर को चार किताबों में से पढ़ना मुश्किल होता है तब नोट्स पढ़ने चाहिए ट्वेल्थ तक क्या कोर्स है इतना सा तो कोर्स है ट्वेल्थ में इतनी पतली तो किताबें हैं अभी से घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा आगे आगे हर टॉपिक पे किताब होगी चार चार पांच पांच उन सब में से मिलाकर एक क्वेश्चन का आंसर तैयार होगा तब हम कहेंगे कि भाई बुक पढ़े कि नोट्स पढ़े तो नोट्स पढ़ो बुक में आंसर मिलना ही मुश्किल है अभी तो इतनी छोटी छोटी तो किताबें हैं उसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं अगर अभी ये आदत हुई तो कैसे आई एस आर एस करोगे है ना तो अभी तो पूरी अच्छे से आपको बुक ही करनी चाहिए बहुत बढ़िया बेस्ट बुक कौन सी है हिस्ट्री की बताऊंगी मैं देखो प्राचीन भारत के लिए जाओ शिरमाी ले लो मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र वर्मा वाली बुक लियो और आधुनिक भारत पढ़ते हो तो विपिन चंद्रा की बुक ले बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए बहुत ही शानदार जिसमें पूरा हिस्ट्री का बहुत बढ़िया जो है आपको मैटर मिलेगा है ना चलो अब बात करते हैं इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चन लिख नहीं पाए लि... लिख नहीं पाते क्यों नहीं लिख पाते बिल्कुल इजी है ना रोज बुक पढ़ती है खुशबू वेरी वो बहुत बढ़िया जो मेरे स्टूडेंट है वो तो रोज बुक पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बुक के अलावा किसी चीज से उनको संतुष्टि होगी नहीं सेटिस्फेक्शन बुक के अलावा किसी नोट्स पर नहीं हो सकता नोट्स में कुछ ना कुछ चीज अगर स्किप हुई और वहीं पर क्वेश्चन आ गया तो एक नंबर से मेरिट कट अगर मेरिट लाने वाले चाहते हो तो बुक पढ़ो अगर 80 परसेंट लाना चाहते हो तो नोट्स पढ़ो और पास होना चाहते हो तो पास बुक पढ़ो समझ में आ गई क्या बात अच्छी तरह से समझ में आ गया 20 मार्च से पेपर है पूरे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करे बीस दिन है ना अभी तो आपके पास बराबर बीस दिन है और पांच आपके सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट को चार दिन में करो एक सब्जेक्ट को तीन दिन में खत्म करो यानी आपके हिस्ट्री में पंद्रह चैप्टर है तो एक दिन में पांच सब्जेक्ट चैप्टर आज के आज आपको तीन तीन दिन में सभी सब्जेक्ट कर लेने हैं पंद्रह दिन में कोर्स कंप्लीट पांच दिन में रिवीजन फर्स्ट फर्स्ट वाले एग्जाम का ऐसे करो ध्यान रखना है कोई दिक्कत नहीं है यस नवीन ये हुई ना बात वेरी गुड हाँ सहायक संधि वेलेजली बिल्कुल ठीक है और यह कौन कहता है कि यह फल जो है ग्लास फल मेरे मुंह में आकर गिरेगा यह किसने कहा था वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता नवीन बहुत बढ़िया ये किसने कहा कि यह चेरी जो है ग्लास फल मेरे मुंह में आकर गिरेगा और किसके लिए कहा बताओ कि फटाफट से चलो आगे चलते हैं तो कलकत्ता मिनट्स क्या था सरकार की जिम्मेदारी देखो कलकत्ता मिनट्स वेलेजली ने लिखा 1803 में लिखा और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए उसने नियम बनाए उसने कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क नाली जल मार्ग में सुधार की समग्र व्यवस्था बनाए मकानों और भवनों के निर्माण के प्रसार के बारे में नियम बनाए और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करे और स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाए यह वेलेजली कहता है नो, no, कैनिंग नहीं है कैनिंग नहीं है, है ना ध्यान रखना है चलो अब बात करते हैं है, कब कहा था लॉर्ड वेलेजली ने नवीन ये कब कहा था और कितने साल बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हुई ये बताओ बहुत अच्छा जी आपने लिखा बिल्कुल ठीक है जी ने कब कहा और कितने समय में उसकी इच्छा पूरी हुई थी यह बताओ बाकी सभी ने सही लिखा याचिका कुमकुम बहुत बढ़िया अच्छे से बहुत बढ़िया लिखा है आपने नवीन चलो आगे चलते हैं अब बात करते लॉर्ड वेल अली तो चला गया उसके अठारह से 1805 उसका टाइम पीरियड था वो चला गया क्या उसके बाद नगर नियोजन हुआ क्या यस उसके बाद में भी नगर नियोजन होता रहा और किसने किया यस अठारह नहीं कब कहा था बटाओ फटाफट से अठारह अरे 1900 खुशबू कैसे लिख रहे हो अठारह आएगा ना बच्चा अठारह में उसकी इच्छा पूरी हुई थी अवध का अधिग्रहण हो गया था लेकिन कहा कब था उसने 1801 में तो सहायक संधि शुरू हुई थी जो किसने थोपी थी डल्हो जी ने थोपी थी है ना डल्होजी ने उससे सहायक संधि थोपी थी चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर ध्यान दोगे अठारह में इच्छा पूरी हुई बिल्कुल नवीन एक्सीलेंट बहुत बढ़िया अब देखो लॉर्ड वेलेज़ली तो चला गया उसके बाद नगर नियोजन कौन करेगा तो उसके बाद एक कमेटी भारत के लोगों के द्वारा लॉटरी कमेटी ध्यान रखना लॉटरी कमेटी कब बनती है 1857 लॉटरी कमेटी का क्या मतलब है अब अच्छे से सुनो चलो ठीक है आप सभी ने सही आंसर दी लॉटरी कमेटी का निर्माण क्यों किया गया 1801 में सहायक संधि हां कर्तव्य बिल्कुल ठीक है अब अच्छे से सुनोगे कि वास्तव में जो यह क्या बता रही थी मैं आपको लॉटरी लौ, कमेटी लॉटरी कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था लॉटरी बेचने के लिए नहीं वास्तव में लॉटरी कमेटी का निर्माण नगर सुधार के लिए किया गया क्वेश्चन आता है लॉटरी कमेटी क्यों बनी नगर सुधार के लिए कब बनी अठारह लेकिन नगर सुधार मैंने बोला नगर सुधार तो नगर सुधार होगा नहीं मैंने कहा पढ़ाना है आपको अरे तो पैनल लगाना पड़ेगा स्टूडियो बनाना पड़ेगा है ना नेट चाहिए मोबाइल चाहिए पैसा खर्चे बिना कुछ भी नहीं हो सकता आप मुझे देख पा रहे बिना मोबाइल के नहीं देख पाते मोबाइल के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा पैसा कहाँ से आएगा तो ध्यान रखना है पैसा जो है पैसा कहाँ से आएगा पैसा लॉटरी के टिकट बेच कर आएगा लॉटरी कमेटी लॉटरी के टिकट बेचती थी और उससे जो पैसा आता था उससे नगर सुधार करती थी क्या पैसा केवल जनता से आता था नहीं सरकार और जनता दोनों मिलकर सरकार तो कर रही है लेकिन सरकार को ज्यादा हमसे कोई मतलब था नहीं क्योंकि हमारी सरकार नहीं अंग्रेजी सरकार है और इसी वजह से संवेदनशील भारतीय यानी जो भारतीय भारत के लिए सोचते थे पैसा भी था जो मानते थे गंदगी बीमारी का कारण होती उन लोगों के द्वारा कुछ काम किए गए और यही लॉटरी कमेटी का निर्माण करते हैं ध्यान रखना है लॉटरी कमेटी पैसे की व्यवस्था करती लॉटरी बेचकर लेकिन उद्देश्य पूछे तो लॉटरी बेचना उसका उद्देश्य नहीं था उसका उद्देश्य क्या था उसका उद्देश्य था नगर का सुधार करना यह ध्यान रखना हाँ अठारह में कहा था एजुकेशन वर्ल्ड बिल्कुल ठीक लिखा अठारह में कहा था डलोजी ने कहा था क्या कहा था कि यह ग्लास फल मेरे मुंह में आकर गिरेगा वेले जली तो सहायक संधि है वेले जली तो 1801 में सहायक संधि वो तो हमने पढ़ ली लेकिन डलोजी कहता है कि यह फल मेरे मुंह में आकर गिरेगा और अठारह में कहा था यही पूछ रही थी मैं आपने अठारह सौ दिया इक्यावन में कहा था छप्पन में हो गया उसका सपना सच हाँ नवीन बिल्कुल नगर नियोजन ठीक है टॉपर्स कॉपी दिखाऊंगी चिंता मत करो तो आंसर हो गया लॉटरी कमेटी देखो यह इस प्रकार से कलकत्ता का लॉटरी कमेटी ने सुधार करा कलकत्ता में टाउन का एक भाग दिखाया है यूरोपियन मकान है पूरा नक्शा बनाया ये लॉटरी कमेटी के कार्य हैं उसने नक्शा मुक्कल करवाया एक बढ़िया शानदार नक्शा बनाया सड़कें बनाई हिंदुस्तानी इलाकों में काम कर रही है लॉटरी कमेटी ध्यान रखना साहित्य के बारे में हाँ ओके 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 बिल्कुल करूंगी है ना तो यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार से निर्माण कार्य किया गया लॉटरी कमेटी का निर्माण किस कार्य के लिए किया गया था क्या लॉटरी बेचने के लिए किया गया था क्या नहीं नगर नियोजन के लिए किया गया पैसा कमाना हाँ पैसा कमाना था हाँ लॉटरी बेचना था लेकिन निर्माण क्यों किया गया था निर्माण सिर्फ और सिर्फ नगर सुधार के लिए किया गया था अब उसके लिए पैसा कमाने के लिए वह पैसा कमाने के लिए टिकट बेचती थी और इसीलिए उसका नाम लॉटरी कमेटी यहां पे क्वेश्चन आ सकता है आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बी अवेयर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉटरी कमेटी क्या थी क्यों बनी गई पैसा कैसे कलेक्ट करती थी तो ये पैसा यहाँ से कलेक्ट करती थी टिकट बेच करके चलो आगे चल कलकत्ता मिनट्स में किस विषय पर चर्चा की गई क्या भारतीय जनता पे करों में वृद्धि कर दी जाए क्या भारतीय जनता पर कंट्रोल को बढ़ा दिया जाए क्या भारतीय जनता को अधिकार दिया जाए क्या सड़क निर्माण पर रोड रोक रो, नहीं ये कुछ भी नहीं है हर तरह की गड़बड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए ही कलकत्ता मिनट्स कब किया गया 1800 ध्यान रखना है जब 1803 में नगर नियोजन की बात कहता है तभी कलकत्ता मिनट्स की बात कहता है नगर नियोजन उसका मुख्य उद्देश्य था यस बिल्कुल ठीक है नगर नियोजन तो इसका आंसर क्या होगा हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए ही कलकत्ता मिनट्स जो है उसकी रचना की गई थी किसने की है तो ध्यान रखना है किसने की है जो वेलेजली आया है भारत में 1803 के अंदर वो नगर नियोजन के लिए हर तरह की गड़ीबड़ी को समाप्त करने के लिए करता है क्लियर है क्या चलो बहुत बढ़िया लॉटरी कमेटी कब बनी थी लॉटरी कमेटी 1817 में हैजा कब फैला था 1817 में दोनों चीजें 1817 में खतरा 1803 कलकत्ता मिनट्स ध्यान रखना यहाँ पे कुमकुम -कुम बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर कलकत्ता मिनट्स किसने लिखा है वेलेजली के द्वारा कलकत्ता मिनट से लिखा है क्या लिखा उसने हर तरह की जो है गड़बड़ी का निर्माण करेंगे सड़क बनाएंगे अगर मकान बनेंगे तो पूरे नियंत्रित बनेंगे बड़े बड़े मकान बन रहे हैं तो भी वह एक कानून होगा एक मानक नियम होगा उन मानक नियमों के अनुसार ही सबका निर्माण किया जाएगा क्या कहा कि मानक नियम होंगे और उन्हीं के अनुसार सारा कार्य किया जाएगा औपनिवेशिक काल में नगर नियोजन के लिए लॉटरी कमेटी ने क्या किया लॉटरी कमेटी का क्या कार्य था बी एस ई आर दो में लघु प्रश्न आया था नवीन बहुत अच्छा देखो ये ध्यान रखना है औपनिवेशिक काल में लॉटरी कमेटी ने क्या किया एक तो उसका मैप बना दिया हिंदुस्तानी आबादी वाले में सड़क निर्माण के कार्य के लिए बात करी सफाया करा साफ सफाई करी झोपड़ियों को हटाया नगर नदी के किनारे अवैध कब्जे हटाए ये सारा अगर लॉटरी कमेटी आता है ना तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा आने की संभावना है आया हुआ है चारों ऑप्शन याद रखने यही ऑप्शन जो है नहीं आया है मैं पहले के क्वेश्चन समझाइए प्रिया कौन सा नंबर क्वेश्चन कह रहे हो क्वेश्चन नंबर बताओ क्वेश्चन नंबर लिखकर बताओ या अठारह सो छिन्नु में है जा बिल्कुल ठीक है ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं ये लॉटरी कमेटी का क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉटरी कमेटी ने क्या कार्य करा एक नक्शा बना दिया हिंदुस्तानी आबादी में सड़कों के लिए अगर किसी ने सोचा है तो लॉटरी कमेटी ने सोचा है किया है काम अवैध कब्जे जो थे उनको हटा दिया साफ सफाई करवाई सड़क निर्माण का कार्य जो है करवाया गया किन सरकारी नीतियों ने उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया देखो कलकत्ता में नगर नियोजन के लिए हमने पढ़ा 1803 में कलकत्ता मिनट्स बनाया लेकिन ज्यादातर काम खुद के खुद के इलाकों को करने के लिए कर रहे हमने पढ़ा नगर नियम में भारतीय सदस्यों को लिया गया था ताकि टैक्स कलेक्ट करे तो ज्यादा टक्कर नहीं हो है ना तो नगर नियोजन में हम भी हैं और अंग्रेज भी और हम देख रहे हमारे इलाके तो साफ ही नहीं हो रहे अंग्रेजों के इलाके कुछ जरूरत से ज्यादा साफ हो रहे हमारे इलाकों में से तो लोगों को धकेल कर बाहर लिखाया जा रहा है हमारे तो निर्माण की भी छूट बंद कर दी है क्योंकि हमारी झोपड़ियां घास फूस की होती जल जाती थी जब बार बार ऐसा होगा तो हमें लगेगा ना अरे ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ध्यान रखना नगर निगम के अंदर भारतीय नुमाइंदे भी हैं और वह देख रहे हैं कि ब्रिटिश घरों को तो बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है उनकी साफ सफाई पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और भारतीय इलाकों पर तो क्या करना है बस ज्यादा भीड़ है उठाकर उन्हें यहां से बाहर पटक दो तो यह तो नगर नियोजन नहीं हुआ साथ ही खूब खूब आशीर्वाद हंड्रेड परसेंट डीयू में जाने का सपना सच होगा आपका है ना चिंता मत करो तो यह ध्यान रखना है झुग्गी झोपड़ियों को जब हटाया तो बहुत तकलीफ हुई ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को नहीं हटाया गलत है स्वास्थ्य और अस्वास्थ्यकारी भेद कर दिया व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के नस्ली विभाजन को बल दिया तभी तो गुस्सा आया तभी तो राष्ट्रवादी भावना बहुत ज्यादा होगी ध्यान रखना है तो यह भी राइट आंसर है स्वास्थ्य विभेद के द्वारा ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन ने भेद किया भारतीय नुमाइंदों द्वारा शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास को बल दिया नहीं भारतीय नुमाइंदों ने नहीं दिया था यूरोप के जो लोग हैं उन्होंने यूरोपियन आबादी को बहुत बल दिया और भारतीय नुमाइंदे अंदर थे और इसीलिए वो दुखी हुए तो राइट आंसर क्या होगा आपका सिर्फ ए और सी जो है वह आपका राइट आंसर है यानी सी जो है वह राइट आंसर यस कुमकुम ए और सी सही आंसर है बाकी गलत दिया सभी बच्चों ने सिर्फ कुमकुम -कुम और याचिका का सही आंसर आया है बाकी गलत है विकास बेटा का गलत है अंबा गलत है ध्यान रखना ए और सी ही सही आंसर है क्यों क्यों गुस्सा हुए ध्यान रखना नगर निगम के अंदर भारतीय है पैराग्राफ को अच्छे से बुक में पढ़ते चले जाओ बुक खोल के रखो नगर निगम में भारतीय आ चुके हैं और आप भी हो और आपके साथी भी है मान लो आप दो जने हो अलग अलग गांव के हो और एक जगह पर ड्यूटी कर रहे हो एक गांव को तो बहुत सुंदर किया जा रहा है दूसरे गांव को देखा ही नहीं जा रहा तो गुस्सा आएगा कि नहीं तो भारतीय नुमाइंदे नगर निगम में है हाँ दिखाऊंगी ओम प्रकाश बिल्कुल दिखाऊंगी भारतीय नुमाइंदे जो है नगर निगम में है और उसके अंदर हमने क्या देखा उसके अंदर हमने देखा कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है सी के देखो इसी क्लास के नीचे वीडियो बने हुए उसमें सब बताई गई है इन्फॉर्मेशन कब से है क्या है सब कुछ बताया गया है ना यह ध्यान रखना है रिजर्व डेट जून है देखो गौतम ने दे दिया है मे मंथ है एग्जाम का और रिजर्व डेट जून इसी क्लास के इसी चैनल पे आपको खूब सारे वीडियो दिखेंगे उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है तो बात समझ में आ गई क्या कि क्यों भारतीय नाराज होते हैं कलकत्ता को स्वास्थ्य परक बनाना जरूरी है इस अवधारणा को हिंदुस्तानियों का समर्थन कलकत्ता को और ज्यादा स्वास्थ्य परक बनाना जरूरी है इस अवधारणा को किन हिंदुस्तानियों का समर्थन क्या भारत के लोग थे हाँ भारत के जो जाने माने हिंदुस्तानी जो खूब पैसे वाले थे वो लोग भी चाहते थे कि बहुत गंदगी है पास पास घर है धूप नहीं आ रही पानी नहीं जा रहा हवा साफ नहीं है और इसी वजह से तकलीफ हो रही है और वह व्यक्ति कौन थे द्वारिका नाथ टैगोर जी और रुस्तम जी कोवास जी जो काफी पैसे वाले भारतीय जो थे जाने माने हिंदुस्तानी थे जाने माने जाने माने हस्तियां थी और इन लोगों ने कहा कि वास्तव में गंदी बस्तियां जो है इससे बीमारियां फैलती उस समय पता नहीं चल रहा था कि बीमारियां क्यों फैल रही आज तो हम सभी जानते हैं उस समय यह पता नहीं चल रहा था पर इतना तो पता चल ही गया था कि जब भीड़ होगी तो इसी वजह से हवा पानी की अच्छी निकासी नहीं होगी और इसी वजह से बीमारियां फैलेगी तो बड़े बड़े जो पैसे वाले भारत के लोग हैं वह भी इसके पक्ष में थे कि नगर का नियोजन होना चाहिए और उनमें व्यक्ति में नाम आता है रुस्तम जी कोवास जी और द्वारिका नाथ बताओ कहाँ पर पढ़ा कुवास जी नाना भाई डावर पढ़ाया था आग लगने की आशंका से घास फूस की झोपड़ी जो है उसे अवैध घोषित कर दिया गया कब घास को अवैध घोषित कब किया गया था तो की झोपड़ियों को अवैध घोषित किया गया था 1836 में कह दिया कि आप घास की झोपड़ी नहीं बनाओगे क्यों ये झोपड़ियां इसमें घास फूस होती थी ना तो इसमें क्या लग जाती थी आग लग जाती थी और इससे अंग्रेजी किलो को भी खतरा होता था है ना मैप 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 कब सिखाएंगे सिखाऊंगी सिखाऊंगी लास्ट क्लास में क्रैश कोर्स की है ना उसमें तो यह ध्यान रखना आग लगने की आशंका थी और इसी वजह से अवैध घोषित कर दिया कब घोषित कर दिया 1836 में जो है अवैध घोषित कर दिया गया था अंग्रेज बस्ती का प्रयोग किस अर्थ में करते थे ध्यान रखना अंग्रेज जो है जो कच्ची झोपड़ियां थी ना उसके लिए बस्ती वास्तव में बस्ती शब्द का प्रयोग मोहल्ले के लिए होता था बसावट के लिए बस्ती जो हमारे यहाँ पर शब्द था वह बस्ती किसके लिए प्रयोग में होता था बस्ती का प्रयोग जो है वह किया जाता था वास्तव में मोहल्ले के लिए लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया बस्ती यानी कच्ची झोपड़ी। वास्तव में कच्ची झोपड़ी नहीं था बस्ती का मतलब किसके लिए था बस्ती का मतलब था वास्तव में बसावट लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने उसको कच्ची झोपड़ी कह दिया औपनिवेशिक काल में बस्ती का मूल रूप क्या था कच्ची झोपड़ी नहीं था बंगले भी नहीं था मोहल्ले थे पूरा का, पूरा का जो सोसाइटी बसी हुई होती थी उसके लिए बस्ती शब्द यूज करते थे है ना हमने पढ़ा है कस्बा गंज बस्ती वही है लेकिन अंग्रेजों ने बस्ती किसे कह दिया अंग्रेजों ने झोपड़ी को देखो बस्ती शब्द का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट है लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का प्रयोग संकुचित कर दिया गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल कर दिया और ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टी पट्टी के रूप में बताया गया है ब्रिटिश जो आज हम डॉक्यूमेंट देखते हैं उसमें बस्ती यानी गंदी झोपड़ियां उसके बारे में बताया गया खुशबू हंड्रेड परसेंट आपका सपना सच होगा बेटा दिल से आशीर्वाद और आप वास्तव में इंटेलिजेंट है आप कर सकते हैं बिल्कुल हो गया आप ये सोचो जब एग्जाम देने की देरी है बाकी सलेक्शन पक्का है आपका है ना ध्यान रखना एक एक जो है सोर्स जरूर पढ़ना है सीयूईटी में सोर्स पे क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि वही माइंड के क्वेश्चन है ना तो इसीलिए आपको सोर्स जरूर पढ़ने चलो आगे चलते नेक्स्ट क्या है अधिक स्थान बनाने हैं तो कौन से देखो ये सीयूईटी में क्वेश्चन अब सीयूईटी के क्वेश्चन देखकर बता लो कि क्या आपको कितना आपका लेवल लग रहा है अभी अगर ये पांच क्वेश्चन जो सी के मैं लेकर आई हूं आप सभी के आंसर दे सकते हो तो इसका मतलब है सीयूटी आराम से क्रैक कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में CUT में लास्ट ईयर ही तो CUT हुआ है एक ही साल हुआ और इसमें कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप देखो आप खुद आंसर दो और बताओ मुझे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं बताओ आपने कुसुम अभी आप आपने कहा ना कि मेरा सपना है तो आप बताओ आप अगर इन पांचों क्वेश्चन के आंसर दे दोगे तो यानी आप काफी कुछ इसके पास अगर तीन भी दे देते हो आंसर तब भी सही है कि इसका मतलब काफी करीब आ चुके हो बाकी तो अभी और तैयार करोगे है ना? सात कुसुम बिल्कुल ठीक लिखा है अधिक स्थान बनाने हेतु सात द्वीपों को जोड़कर विकसित किया देखो यह भी सी में क्वेश्चन पूछा है औपनिवेशिक काल की व्यापारिक राजधानी क्या थी यस लक्ष्मी पार्थ कुमकुम याचिका सभी ने लिख दिया है ओके okay, ओके okay, आपने सभी ने रतन लाल जी या स्वेदिका कुमकुम गौतम सभी ने अब सेकंड क्वेश्चन बताओ सेकंड क्वेश्चन है आपका औपनिवेशिक काल की व्यापारिक राजधानी क्या थी यह भी सीयूईटी में पूछा है सात में से कितने क्वेश्चन पांच में से कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हो और अपना लेवल खुद देख लो कितने पानी में हो अगर हो भी तो भी अभी आप उसको अच्छे से कर सकते हो है ना गवर्नमेंट में यूपी में अपलोड गवर्नमेंट ओके 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 हाँ बिल्कुल ठीक है आपके स्टूडेंट सी यू टी का नेट भी क्लियर कर लेंगे नवीन हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट नेट तो क्लियर करनी ही करनी है नेट जे तो लेनी ही लेनी है जे हर महीने की महीने आने लगेगी यस आंसर दिया क्या किसने दिया है लक्ष्मी बॉम्बे यस बम्बई को जो है ये देखो ये सीयूटी का क्वेश्चन आया हुआ है कोई दिक्कत आ रही है क्या बताओ कुमकुम सीयूटी के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है क्या ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है अब बताओ विभिन्न समुदाय के व्यापारी और बिचौलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभदायक व्यापार करते थे उनका उदय हुआ धनी व्यापारी अंग्रेजों के वफादार उद्योगपति और पूंजीपति ध्यान रखना सीयूटी में ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में सही क्वेश्चन है उसको अगर हिंदी में देखते हैं तो उसकी लैंग्वेज सही नहीं है तो इंग्लिश पढ़ लेना इतनी इंग्लिश तो हमें आती है ना इंग्लिश पढ़ लेना अच्छे से हो जाएगा है ना यहाँ पर बताऊं फटाफट से देखो ये एक ही पैराग्राफ से सीयूटी में ज्यादातर मैंने यह देखा एक ही पैराग्राफ से पांच उठाकर क्वेश्चन डाल दिए तो बी अवेयर कोई भी पैराग्राफ उठा ले पता नहीं चल सकता है ना तो आपको अब इसका आंसर बताना है RBSC बोर्ड में ब्लैक पेन का यूज कर कर सकते हो फिर भी पता कर लेना ऐसा नहीं हो कि नंबर कट जाए ऐसा जरूरी नहीं है वैसे कर सकते हैं चलो अब बताओ फटाफट -फट से कि विभिन्न समुदायों के व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में लाभदायक व्यापार करते थे उनका उदय किस रूप में हुआ सी आंसर गलत है डी किसने आंसर दिया सभी सी दे रहे हो अच्छा बुक खोलो बुक खोलो बुक खोलोगे तब पता चलेगा देखो आपको दिया हुआ है इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ जब व्यापारी थे बिचोलिय थे उन्होंने व्यापार किया पैसा आया तभी तो भारत में भी पूंजीपति वर्ग स्थापित हुआ बुक खोलो जहां पर आपको बंबई दिया हुआ है सी नहीं है गौतम सभी बच्चों ने सी आंसर दे दिया है रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है, है प्रिया विकास नहीं आप बताओ पार्थ बी नहीं कहाँ गई कुसुम कुसुम जवाब दो फटाफट से नवीन क्या सोचते हो क्या जवाब है इस क्वेश्चन का पूंजीपति वर्ग यस देखो आप अपनी बुक खोलो बुक में बॉम्बे देखो बॉम्बे में नीचे लिखा हुआ है पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ था नवीन यस या, याचिका डी कुसुम क्या जवाब है बच्चा डी बहुत कम बच्चों ने डी जवाब दिया है ज्यादातर सी अब सबने वो तो मैंने लिख दिया तो अब सबने डी डी लिख दिया है सभी ने सी जवाब दिया था और सभी का गलत था अब डी करा है पेज नंबर तीन सौ अड़तीस खोलो उसमें नीचे की तरफ देखो भारतीय पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ देखो जब हम हमारे पास तो कुछ था नहीं हम तो बिचौलिय हैं लेकिन बिचौलिए बनते बनते पैसा तो आ गया और सड़क निर्माण हो चुका था रेल निर्माण हो चुका था पैसा हमारे पास है तो हमने भी तो फिर उद्योग शुरू करे है ना उद्योगों की शुरुआत कैसे हुई वो ट्वेल्थ चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि भारत में उद्योगों की शुरुआत कैसे हुई पहली जो है मील कैसे खोली गई कलकत्ता हमने पढ़ा कि मील जो है भारतीयों के द्वारा तब खोली गई थी जब रेलों का निर्माण हो चुका था कच्चा माल आ रहा था लेबर आ रहा था और पैसा बिचोलिए थे इसलिए कमा चुके थे और इसी वजह से ध्यान रखना पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था ओके okay, विकास आपकी बात मैंने सुन ली है पेज नंबर 338 लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो और यहां पर दिया हुआ है भारतीय पूंजीपति बताओ किस किस को समझ में नहीं आया कि भारतीय पूंजीपति वर्ग का दी दिए थे कुछ बहुत बढ़िया सही दिए थे बहुत ही अच्छी बात है अब लास्ट इसका सही जवाब दे दो चलो आपने लिख दिया है देखो ये सारे सीयूटी के लास्ट ईयर पूछे हुए तीन और एक चार पांचों क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ से पूछ लिए अब आप खुद बता दो कि आप सीयूटी में सेलेक्ट हो पाओगे कि नहीं ये बता दो इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के लिए एक महत्वपूर्ण तो व्यापारिक वस्तु क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन को क्या व्यापार करती थी क्या उगाया जाता था यस बंबई के पूंजीपति वर्ग मारवाड़ी कोंकणी यस नवीन बिल्कुल ठीक है बनिए ये सब आएंगे बिल्कुल ठीक है बताओ इसका क्या आंसर है यस आ गया है कुमकुम का आंसर यस याची का हाँ बिल्कुल बिल्कुल रतनलाल ममता सही सभी का कर्तव्य राजस्थान मालवा सिंध यस अफीम जो है उसका निर्यात करती थी बिल्कुल ठीक है अफीम का निर्यात जो कहाँ से आती थी राजस्थान में मालवा में और सिंध में है ना अफीम जो बेचते थे तो मालवा है और सिंध इन इलाकों में जो है अफीम उगती थी और यहीं से जो है वह चाइना जाती थी और चाइना से चाय कॉफी खरीद करके अंग्रेज अपने यहाँ पर ले जाते और पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती थी बिल्कुल ठीक सभी ने लिख दिया नील नहीं होगा भाई बॉम्बे के देखो ये लास्ट क्वेश्चन अब ये पांचों क्वेश्चन करके बता दो कि आप डी में जा सकते हो क्या इसमें से एक भी गलत हुआ क्या पहले ये बताओ खुशबू इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या जो पांच क्वेश्चन में सीयूटी के इस चैप्टर में लाई हूं उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके बताओ मुझे कि सीयूटी को कितना अच्छे से क्रैक कर पाओगे है ना देखो यहां पर क्या दिया है बॉम्बे के पश्चिम तट पर महत्वपूर्ण तो बंदरगाह जहां से व्यापारिक गतिविधियां कपड़ा उत्पादन कच्चे माल की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय व्यापार अब देखो ध्यान से से सुनना यह यह भी 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 सही 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 है सही है है और लेकिन इसमें कच्चे माल की कपास की आपूर्ति तो भारत के अंदर से होती थी लेकिन है तो बंदरगाह पर ही आती थी भाई आएगा तो बॉम्बे पर ही फिर से ही जाएगा तो यह भी सही है लेकिन अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा सही कौन सा है सबसे ज्यादा सही कौन सा है देखो हमने कहा कि ये बम्बई बंदरगाह की बात कर रहा है बम्बई में पश्चिम तट के बंदरगाह है और वहीं से ही तो सारा माल आ रहा जा रहा है तो कच्चा माल जो इनको चाहिए वो यहीं से आ रहा है तो यह भी सही है व्यापार हो रहा है यह भी सही है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी सही है अब अच्छे से दिमाग लगाकर बताओ ज्यादा सही क्या है याचिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज्यादा सही है लॉक कर दिया जाए ममता ने कहा है बिल्कुल ठीक है यह सही है भाई व्यापारिक गतिविधियां तो और भी बंदरगाह से हो रही है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आधा जो आयात निर्यात हो रहा था उससे भी ज्यादा बंबई बंदरगाह से होता था यह आपकी बुक में दिया है भाई कलकत्ता बंबई मद्रास तीनों से इंटरनेशनल व्यापार हो रहा था लेकिन वाणिज्यिक राजधानी इसे ही क्यों बनाया गया सबसे ज्यादा यहीं से हो रहा था और इसीलिए राइट आंसर ये नहीं होंगे राइट आंसर सिर्फ यही होगा इंटरनेशनल ट्रेड यह भी बुक में आपके दिया हुआ है इसी पैराग्राफ के सबसे नीचे वाली लाइन पे औपनिवेशिक काल में पूंजीपति कौन से वर्ग से आए पारसी मारवाड़ी गुजराती यहूदी यही सारे बंबई के इतने सारे पूंजीपति वर्ग दिए गए हैं जिन्होंने पैसा कमाया था और व्यापार किया था अरे एक देश से दूसरे देश में व्यापार तो अंबा सभी कर रहे हैं कलकत्ता भी कर रहा था बंबई भी कर रहा था मद्रास भी कर रहा लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर रहा था सबसे ज्यादा जो है बंबई से आधे से ज्यादा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी डी सभी आंसर राइट है पूंजीपति वर्ग ने बंबई की अर्थव्यवस्था को अफीम उत्पादन के इलाकों में जोड़ने में मदद करी थी कौन से इलाके हैं बताओ पूंजीपति वर्ग ने जो है बंबई को जोड़ा किससे जोड़ा है बंबई से हमने पढ़ा ना बंबई से अफीम जाती थी तो अफीम भारत में कहां से आ रही थी स्वेज नहर खुलने से बहुत बढ़िया नवीन एक्सीलेंट 1869 सिक्सटी स्वेज नहर खुल गई थी और इसी वजह से जो है यह सब कुछ हुआ वेरी गुड बहुत बढ़िया अब बताना है आपको कि मैं कौन से औपनिवेशिक काल में बंबे की अर्थव्यवस्था को अफीम उत्पादक से जोड़ने से मदद किसने करी थी बताओ फटाफट से अफीम कहां से आती थी भाई नवीन एबीसी बिल्कुल ठीक है मालवा राजस्थान सिंध तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल ठीक है राजस्थान मालवा सिंध अमेरिका में युद्ध कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कब खत्म दोनों ही बताओ मुझे कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ अमेरिका का गृह युद्ध जो है कब शुरू हुआ और खत्म कब हुआ यह भी बताना है 1861 में शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ हमने 90 परसेंट जो है अमेरिका की आवश्यकता को हमने पूरा कर दिया था ब्रिटेन में हाँ गुड बिल्कुल ठीक है स्वेज नहर खुल गई थी राजस्थान मालवा सिंध बिल्कुल सही आंसर है चलो आगे चलते हैं भारतीय व्यापार के लिए स्वेज नहर को कब खोला गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ध्यान रखना स्वेज नहर को 1869 में खोल दिया और इसीलिए व्यापार वाणिज्य कैसा हो गया व्यापार बहुत ज्यादा व्यापार में क्या हुई व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हो गई गईनर खुल गई तो रास्ता मिल गया और रास्ता मिल गया तो व्यापार में क्या हो गया व्यापार में बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हो गई थी इकसठ से पैंसठ की उन्नीस क्यों लिख रहे हो याचिका उन्नीस की आदत को खत्म करना है अठारह की बात हो रही है ना चलो बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं औपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा यूरोपियन शैली में भवन का निर्माण करवाया क्यों करवाया क्यों यहाँ पर भारत के अंदर भारत की शैली प्रचलित थी भारत में खूब सारे दुर्ग थे खूब सारे महल थे आए तो बस जाते हमारे जो लोग थे वो बना देते लेकिन उन्होंने अपनी शैली अपनाई क्यों अपनाई क्यों इंडो सारा सैनिक शैली क्यों नव गौतिक शैली क्यों नव शास्त्रीय शैली अपनाई ताकि अजनबी देश में अपना सा लगे है ना शाही वैभव दिखाई दे फर्क दिखाई दे तुम नीचे लोग हो हम ऊंचे लोग हैं हम एकदम अलग लोग हैं यह दिखाने के लिए क्वेश्चन आपके ये क्वेश्चन लघु में भी पूछ सकते हैं अजनबी देश में जाना पहचाना दिखे घर जैसा महसूस हो अपनी श्रेष्ठ था अपने अधिकार ध्यान रखना अपनी श्रेष्ठ था अधिकार सत्ता शामी और के के बीच में फर्क बताने के लिए और फैसला फर्क फर्क बताने के लिए था फर्क और फैसला मिटाने के लिए नहीं था बताने की चाह बताने की चाहती तो ये एक गलत हो जाएगा बाकी सही है एबीसी जो है वह सही आंसर है क्या चाहते थे हाँ बंबई भारत का सरताज शहर कर्तव्य बिल्कुल ठीक लिखा है ना गांधी जी हाँ 1869, बिल्कुल है, दो अक्टूबर 1869, बिल्कुल है।, ध्यान है अपने जैसा महसूस हो जैसा वो चाहते थे वैसा उन्होंने बनाया और इसी वजह से जो है उनके द्वारा भारत में यूरोपियन शैलियां बनाई गई बंबई में बंगला भवन निर्माण शैली किस बात का धोतक था बंगला क्या था वास्तव में बंगला जो है ढलवा छत होती थी ताकि धूप यहां पर कम पड़े और बहुत बड़ी सी जमीन पर बना होता था भारतीयों से बिल्कुल दूर रहकर वो अपने आराम से यहाँ पर रहते थे तो याद रखोगे औपनिवेश बंगला बड़ी जमीन पर होता था ढलवा छत होती थी ठंडा रहता था घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे एक खालिस नस्ली घर बन गए थे जिनमें शासक वक्त भारतीयों के साथ भारतीयों के साथ नहीं है भारतीयों के बिना है आत्मनिर्भर जीवन रह सकते थे जीवन जी सकते थे भारतीयों के साथ चलो ठीक है भारतीय भी हैं लेकिन रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे यस वो बिल्कुल अलग से अपने हिसाब से रह सकते थे तो यह ध्यान रखना है अंग्रेजों ने जो बंगला बनाया था वो बड़ी जमीन पर था बरामदा था नौकरों के क्वार्टर थे और वो खालिश नस्लीगढ़ यानी शुद्ध रूप से अंग्रेजों के रहने की जगह थी लेकिन इसमें एक चीज गलत दे दी कि वो बिना आत्मनिर्भर नहीं रह सकते थे वो आत्मनिर्भर होकर रह सकते थे तो यहां पे यह गलत हो गया डी जो है ऑप्शन गलत हो गया ए बी और सी जो है वह ऑप्शन सही है बताओ बात समझ में आई क्या ए बी सी जो है वह सही आंसर है देखो ये बंगला है ये ढलवा छत है और बड़ा सा मकान है खूब सारे कमरे हैं क्वार्टर है, है उन्नीसवीं शताब्दी का अंग्रेजी का बंगलो शब्द कौन सी भाषा का शब्द है बंगाली भाषा का शब्द है ध्यान रखना ये कौन सी भाषा का शब्द है ये बंगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है घास फूस की झोपड़ी बंगला शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था वास्तविक अर्थ था घास फूस की झोपड़ी लेकिन आज आप बंगले का मतलब क्या समझते हो तो शानदार बंगला वास्तव में बंगला शब्द चुराया है अंग्रेजों ने हमसे और वास्तव में बंगाल के अंदर झोपड़ियां थी झोपड़िया उसको बंगला कहते थे और इन्होंने उस झोपड़ी के ऊपर बहुत शानदार मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया इस पर उस पर आप उसको देखना अच्छे से समझ में आएगा कि वास्तव में झोपड़ी थी और उसी को ही ये कह रहे हैं कौन सा भारतीय शहर भारत का सरताज शहर बंबई जो है वह भारत का सरताज शहर जो है कहलाया था औपनिवेशिक शहरों में इमारतें बनाने के लिए कौन सी शैली तीन शैली नवशास्त्रीय शैली नवगौतिक शैली इंडो शारा सैनिक शैली तीन प्रकार की जो है शैलियों का निर्माण करवाया नवशास्त्री नवगौतिक इंडो नस्तलिक शैली तो क्या है अकबर की पसंदीदा शैली है नस्तलिक लिखने की शैली है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी और सी जो है वह इसका राइट आंसर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर कहां पर है बंबई में जो टाउन हॉल है जो नवशास्त्रीय शैली से बना हुआ है वही वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी जो है चौपड़ी कहते माँ आपने पढ़ाया था हाँ बिल्कुल मैंने पढ़ाया आप उसको वेरी शॉर्ट वीडियो को देखना वास्तव में जो है ये बंगलो शब्द जो है बंगाली भाषा से बना है और इसका मतलब झोपड़ी है लेकिन बाद में ये अंग्रेजों ने अब इस टेक्निक को अपना लिया और उसको और अच्छे से बना दिया और इससे बंगला बन गया ध्यान रखना है लेकिन वास्तव में इसका मीनिंग शाब्दिक अर्थ झोपड़ी हुआ करता था शॉर्ट वीडियो में देखना समझ में आएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे किस शैली में बना हुआ है तो बताओ किस शैली में बना हुआ है बॉम्बे का जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का टाउन हॉल है कुछ किस शैली में बना कर्तव्य नवीन बताओ फटाफट से आ, नवीन ये तो ठीक लिखा आपने बंबई का टाउन हॉल मुझे बताओ कि यह किस शैली में लक्ष्मी बताओ फटाफट से देखा था अम्बाराम बहुत बढ़िया बंबई का टाउन हॉल जो बना है वह कौन सी शैली में बना आपकी बुक में इसकी इमेज देकर समझाया है कि देखो ये शैली है और उसको मैंने भी आपको समझाया था यह कौन सी शैली है टोटल कितनी शैलियां हैं तीन प्रकार की शैलियां हैं नवशास्त्रीय शैली नव गौतिक शैली और इंडो शैली नवशास्त्रीय शैली वास्तव में जब पुनर्जागरण हुआ यूरोप में तो प्राचीन रोम की शैली को अपनाया था नो no, गलत है गलत है आपका आंसर नवगौतिक नहीं है वतन गलत है आंसर और बताओ बताओ नवीन बताओ फटाफट से क्या शैली है इसकी नवशास्त्रीय शैली रतन बिल्कुल ठीक है न, इंडो सारासैनिक नो इंडो सारासैनिक सही नहीं है गलत है मैंने पूछा कि यह कौन सी शैली में बनाया हुआ है नवीन क्या आंसर है बच्चा कर्तव्य क्या आंसर है बताओ फटाफट से नव नवगौथिक शैली गलत है याचिका सही आंसर है नवीन यस, नव, है, नव क्लासिक दोनों का एक ही मतलब है नवीन अब सही आंसर है कर्तव्य सही आंसर है कर्तव्य और नवीन का बिल्कुल ठीक आंसर है याचिका एक्सीलेंट आंसर है नवशास्त्रीय नव शैली अरे नवगौतिक शैली कैसे आ गया भाई याचिका सही है बेटा नवशास्त्रीय शैली गौथिक नहीं है नवशास्त्रीय शैली क्या थी जिसके अंदर पिलर्स होते थे और पीछे देखा गणित डिजाइने वगैरह बनी हुई होती थी भारत में गर्मी बहुत थी उष्णकटिबद्धी शहर भारत है इसीलिए यह सुचारू सही था और यह शैली वास्तव में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और इसी वजह से प्राचीन रोम की जो शैली उसको वापस अपनाया गया और चूंकि भारत पर अधिकार हुआ हुआ था तो भारत पर भी यही शैली अपनाई भारत में गर्मी भी थी तो यश भी थी नवशास्त्रीय शैली का और उदाहरण बताओ फटाफट से खुशबू नवशास्त्रीय शैली का मुझे और एग्जाम्पल चाहिए एक तो आपसे ये बंबई टाउन हॉल है जो आपने कह दिया नवशास्त्रीय शैली है। क्या एक नवशास्त्रीय शैली में बनी हुई सूती कपड़ों की इमारतों का नाम बता सकते हो क्या जो नवशास्त्रीय शैली जो है जिसका निर्माण किया गया था हाँ सबसे पहले दिया रतन बेटा बहुत बढ़िया हाँ नवीन बंबई का टाउन हॉल तो लिख दिया अब मैंने पूछा शास्त्रीय शैली का एक एग्जाम यस कर्तव्य हॉर्नीमन सर्किल यस वेरी गुड हॉर्नीमन सर्किल जो है वह भी इसी शैली का बना हुआ है नवशास्त्री सूती कपड़ा मिल देखो ये इस प्रकार से बंबई का टाउन हॉल है इसमें ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं है ना और इस प्रकार की रेखा गणितीय संरचनाएं हैं इसमें क्या ये पिलर आगे तो अंदर ये देखो ये इस तरीके से तो अंदर धूप नहीं लगेगी अंदर की तरफ जाओगे देखो ये पिलर तो बाहर आ गए फिर अंदर जाना है अंदर घर है तो धूप कम लगेगी और यही शैली नवशास्त्रीय शैली भारत के लिए ठीक है हार्णिमन सर के लक्ष्मी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है नवशास्त्री शैली की विशेषता क्या है ऊंची उठी हुई छतें नोकदार मैरा बारीक साथ सज्जा नहीं तो बताओ ये किसकी विशेषता है मैंने कहा यह नवशास्त्रीय शैली की नहीं है तो मुझे आंसर दो कि किसकी विशेषताएं हैं क्वेश्चन दिया है नवशास्त्री शैली की विशेषता मैंने कहा यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं है तो यह तीनों किसकी विशेषता है मुझे बताओ बड़े बड़े स्तंभ के पीछे देखा गणित संरचना का निर्माण किया गया है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिहाइंड मासी पिलर्स तो ध्यान रखना ये इसे दिया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी जो है वह आपका राइट आंसर है डी क्या है हंडीमन सर्कल खुशबू बिल्कुल ठीक लिखा है एल्फिंस्टन सर्कल याचिका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है यस आपने आंसर दे दिया नवगौतिक शैली याचिका एक्सीलेंट कर्तव्य बहुत बढ़िया ये तीनों कौन सी शैली है ये नवगौथिक शैली है शैलियां जरूर याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शैली पर और हिल स्टेशन में से किसी पर आ सकता है हो सकता है शैली पर छोटे क्वेश्चन पूछ ले और हिल स्टेशन पर बड़ा

कर्तव्य खुशबू बताओ जल्दी से गौतम बताओ नवशास्त्री शैली का हाँ नवगौतिक शैली का एक्सीलेंट आंसर आ गया है सबसे पहले नवीन ने दे दिया विक्टोरिया टर्मिनस वेरी गुड बहुत बढ़िया यह नवगौतिक शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है बंबई सचिवालय उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय गेट वे ऑफ इंडिया नहीं है यह कौन सी शैली का है मैंने पूछा बताओ गेट ऑफ इंडिया मैंने कह दिया नवशास्त्रीय तो शैली नहीं है तो फिर ये बताओ कि नवशास्त्रीय शैली नहीं है तो गेट वे ऑफ इंडिया कौन सी शैली है यस विक्टोरिया टर्मिनस कर्तव्य याचिका लखन एक्सलेंट बच्चा पार्थ बहुत बढ़िया स्वरूप सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर आंसर दे दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा मैंने पूछा कि आपने कह दिया गेटवे ऑफ इंडिया नव गौतिक शैली में नहीं बना है ओके मान लिया तो बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कौन सी शैली में लखन बिल्कुल ठीक परंपरागत गुजराती शैली में याचिका वतन वेरी नाइस बहुत बढ़िया परंपरागत गुजराती शैली में बनावा उदाहरण है बंबई में नवशास्त्री कल शैली में निर्मित इमारत कौन सी है देखो कौन सी पूछिए नवशास्त्री पूछिए बंबई सचिवालय अभी आपने कहा नहीं है विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय नहीं है बंबई का जो टाउन हॉल है वह नवशास्त्रीय शैली में निर्मित है यस परंपरागत गुजराती शैली पार्थ बिल्कुल सही है उन्नीस क्यों बनाया था नवीन ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह क्यों बनाया गया था कहा बनाया गया इन दोनों का भी आंसर दो गेट ऑफ इंडिया कुछ खास था क्या इसलिए बनाया था था क्या कौन आया था? बताओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है नवशास्त्रीय शैली का उद्भव कहां से हुआ तो नवशास्त्रीय शैली जो है उसका उद्भव इटली इटली में पुनर्जागरण और वहीं पर प्राचीन रोम की जो संस्कृति थी उसी को पुनर्जीवित किया गया था और वहीं से इसका जो है उद्भव होता है नवशास्त्री शैली को अपनाने का कारण क्या था शाही रोम के समान भारत की वैभव दिखे उस नकटिबद्धी मौसम के लिए उपयुक्त हिंदू मुस्लिम दोनों को दर्शाने के लिए नहीं है थोड़ी जगह में बसाने के लिए नहीं तो इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा मैंने कहा नवशास्त्री शैली जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे यस नवीन एक्सीलेंट बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत अच्छा आपने लिखा है जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे इसीलिए अब एक क्वेश्चन और पूछ रही हूं कि भारत में नवशास्त्री शैली अपनाई क्यों अपनाई तो मैंने कहा हाँ भारत को रोमन के समान वैभव के रूप में दिखाना है उष्ण कटिबद्ध क्षेत्र है बहुत गर्मी है लेकिन मैंने कहा हाँ पार्थ एकदम सही लिखा है बिल्कुल सही राधा एक्सीलेंट लखन बहुत ही बढ़िया 1911 यस खुशबू 1911 में बहुत बढ़िया चलो अब ये बताओ जब मैंने कह दिया बी सही है सी और डी गलत है तो सी और डी का राइट right आंसर क्या है राइट right क्या है मैंने कहा नहीं हिंदू मुसलमानों को दिखाने के लिए नवशास्त्री शैली नहीं थी और ना ही थोड़ी सी जगह में परिवारों को बसाने के लिए नवशास्त्री शैली थी राइट right आंसर तो आपका ए और बी हो गया पर मैंने सी और बी क्यों काटा सी और बी का आंसर क्या होगा यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं कि सी और बी को मैंने काट दिया तो सी और बी के लिए क्या किया अपने आप को भारत में मुसलमान और हिंदू दोनों का वैद्य शासक दिखाने के लिए कौन सी शैली का निर्माण किया गया था प्रिया को हाँ देखो अच्छे से पढ़ाई करनी है फालतू कमेंट किया तो एक सेकंड में ब्लॉक कर देंगे ऐसे कमेंट मुझे मेरी क्लास में बिल्कुल भी नहीं चाहिए बताओ फिर या बिल्कुल अख्तर साहब इंडो सारा सैनिक शैली वेरी गुड बहुत बढ़िया नवीन बहुत ही बढ़िया इंडो सारा सैनिक शैली जो है वह इसका राइट आंसर है और थोड़ी जगह में बहुत सारे लोगों को बसाने के लिए इसका क्या आंसर है भाई फटाफट से बताओ यस कर्तव्य एक्सीलेंट चोल का निर्माण जो है किया गया था एल्फेंट सर सर्कल का नाम बदलकर हॉर्नीमन सर्कल किसके नाम पर क्या एक अंग्रेज सिपाही था नहीं अंग्रेज व्यापारी था नहीं एक भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाला अंग्रेजी संपादक था संपादक उसी के नाम पर जो है यह किया गया था ध्यान रखना इंग्लिश एडिटर था उसी के नाम पर इसको किया गया था क्लियर है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी जो है आपका राइट आंसर है ये देखो ये सर्कल है और यहाँ पर आप देख सकते हो रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित पिलर्स है इसमें देखो जमीन पर यहाँ पर देखो ये आगे की तरफ आए तो धूप नहीं आएगी बारिश नहीं आएगी और इससे क्या होगा सुविधा हो जाएगी और इसीलिए इसका निर्माण किया गया था नवगौतिक शैली की विशेषता क्या थी ऊंची उठी हुई छतें थी नोकदार मेहराब थे बारीक सा सज्जा थी बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणित की संरचना नहीं थी राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी और सी जो है वह आपका राइट आंसर इसी के साथ आपसे साइकिल लेना चाहूंगी धन्यवाद